सा सीरम बाय करूं, ये वाला या ये वाला? गाइस क्या आप मार्केट से किसी अच्छे से सीरम की तलाश में हैं जो आपकी स्किन के सारे दाग धब्बों को कम करे और साथ ही साथ आपकी स्किन के फाइन लाइंस रिंकल्स पे वर्क करे? तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप घर पे बहुत ही मामूली खर्च के साथ मार्केट के 5000 6000 वाले एंटी एजिंग सीरम को अपनी स्किन टाइप के हिसाब से घर पर कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये मैजिकल से सीरम आपको कैसे बनाना है। सो हाय एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रंजना एंड यू आर वाचिंग योर चैनल रंजना ओरा। गाइस सबसे पहले थैंक यू सो मच टू लव मी हियर, टू सपोर्ट मी हियर, एंड जो भी व्यूअर मेरे चैनल पे आज न्यू है उन्हें बताना चाहूंगी गाइस कि माय चैनल इज रिगार्डिंग ऑल अबाउट अ वोमेन हिट। तो आपको यहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिलेगा, जैसे शॉपिंग हॉल, मेकअप वीडियो, बहुत सारे DIY, और साथ ही साथ टाइम टू टाइम मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ नॉन स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट के रिव्यू भी। गाइस यहाँ पर मिलेगी आपको एक जनरल सलाह, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल बचाएगा आपके बहुत सारे पैसे। और साथ ही साथ गाइस मैं आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर जरूर करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गाइस रोज सीरम। गाइस आप सभी ने सुना होगा मार्केट में बहुत सारे एंटी एजिंग सीरम है, एंड सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है गाइस रोज वाले इंग्रेडिएंट का सीरम, क्योंकि रोज एक ऐसा एलिमेंट होता है जो आपकी स्किन में एंटी एजिंग को करता है, मतलब कि एंटी एज ए एंटी एजिंग काम करता है और साथ ही साथ आपकी स्किन में वाइटनिंग इफेक्ट देता है, क्योंकि रोज में पाया जाता है गाइस एंटी बैक्टीरियल, एंटी ऑक्सीडेंट और साथ ही साथ इसमें विटामिन ए एंड विटामिन सी भी पाया जाता है। तो गाइस ओवरऑल ये आपकी स्किन की हेल्थ को बहुत अमेजिंग तरीके से, क्योंकि गाइस आपने देखा ना ये एक पैकेज है, एक पैकेज की तरह ये आपकी स्किन हेल्थ के लिए बेनिफिशियरी है। इसमें आपको हर एक सप्लीमेंट मिल जाता है आपकी स्किन के लिए। गाइस आपके रिंकल्स, फाइन लाइंस, इन सभी पे ये वर्क करता है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ रोज का सीरम आप घर पे अपनी स्किन टाइप के हिसाब से कैसे बना सकते हैं इसी के बारे में आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। गाइस मेक श्योर कि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। गाइस थैंक यू, मैं सबसे पहले ही बोल दूंगी, मैं आपको अश्योर करती हूँ कि आज की जो रेमेडी है वो आपके बिल्कुल, मतलब जैसा आप सोचते हैं ना अपनी स्किन को लेके, वैसा आपकी स्किन में चमत्कार देगी। क्योंकि मार्केट में अगर हम पता करते हैं तो 5000 तक का एंटी एजिंग सीरम आता है, और ये जो सीरम है आप अपनी स्किन के टाइप से जो भी इंग्रेडिएंट मैं बताऊंगी उसमें थोड़ा बहुत कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है? तो ये कस्टमाइज सीरम आप घर पे प्रिपेयर करने वाले हैं। तो नाउ गाइज अब जल्दी से देखते हैं कि इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने गार्डन के रोजेस लेने हैं, बहुत ज्यादा रोज की जरूरत नहीं है, 5 रोजेस सफिशियंट है। ये जो मैं क्वांटिटी यहाँ पे आपको बताऊंगी बनाना वो 8 डेज के लिए है गाइस, इसको बहुत ज्यादा बना के रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको अपने गार्डन के रोजेस लेने हैं, 4 to 5 रोजेस सफिशियंट है। आपको क्या करना है, देसी गुलाब ही लेना है गाइस, एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि देसी गुलाब लेना है। तो आप अपने गार्डन से 4 to 5 देसी रोजेस तोड़ लीजिए, ठीक है? नाउ गाइस इंग्रेडिएंट लिस्ट देख लेते हैं, 4 to 5 रोजेस हो गए। साथ ही साथ आपको नेक्स्ट इंग्रेडिएंट चाहिए गाइस गुलाब जल, क्योंकि आप सीरम बनाने वाले हैं इसलिए आपको डिस्टिल वाटर या गुलाब जल चाहिए, जो भी आपके पास है वो आप यूज कर लीजिए। थर्ड इंग्रेडिएंट है गाइस विटामिन ई, चाहे आप विटामिन ई के लिए स्वीट आलमंड ऑयल यूज कर लीजिए या विटामिन ई ऑयल यूज कर लीजिए, ठीक है? फोर्थ इंग्रेडिएंट है गाइस एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल में मैं आपको ये बताऊंगी कि मार्केट का ही लेना है पहली बात, और दूसरी बात गाइस आप अगर पतंजलि का लेते हैं तो बेस्ट रहेगा, ठीक है? इसके बाद एक ऑप्शनल प्रोडक्ट है, ये एक ऑप्शनल इंग्रेडिएंट है, ये है गाइस कोई भी एसेंशियल ऑयल। कोई भी एसेंशियल ऑयल अगर आप इसमें डालते हैं तो इसकी सेल्फ लाइफ थोड़ी सी और भी ज्यादा हो जाती है, ठीक है? क्योंकि ये घर पे आप रेडी कर रहे हैं तो गाइस एसेंशियल ऑयल अगर होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम तो इतना ढेर सारा बना ही नहीं रहे हैं, हम तो सिर्फ 8 डेज का बैच ही बना रहे हैं, ठीक है? जब खत्म होगा दोबारा बना लेंगे, ठीक है? बट एसेंशियल ऑयल क्या होता है गाइस, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देता है। और सीरम क्या होता है, सीरम गाइस आपकी स्किन में बहुत ही डीप इन जाके वर्क करता है, इसलिए हम सीरम प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू क्रीम फॉर्मूला, ठीक है? तो नाउ गाइस अब जल्दी से शुरू करते हैं। आपको क्या करना है, रोज पेटल जो है उसको आपको ग्राइंड करके उसका जूस चाहिए होगा, ठीक है? तो सबसे पहले एक नीट एंड क्लीन ग्राइंडर लेंगे और अच्छे से गुलाब की पंखुड़ियों का जूस निकाल लेंगे, ठीक है? अब गाइस जो गुलाब की पंखुड़ियां हैं ये ऐसे ही ग्राइंड नहीं होंगी, इसमें आपको लेना होगा गुलाब जल। जी हाँ, यहाँ पर आप 4 to 5 गुलाब जल में कम से कम 4 to 5 टेबल स्पून
आपको यहाँ पे गुलाब जल डालना होगा, गुलाब की पंखुड़ियाँ 4 से 5, और आपको उसके साथ डालना होगा 4 to 5 टेबल स्पून गुलाब जल। नाउ गाइज इसको अच्छे से ग्राइंड कीजिए। जब आप इसको ग्राइंड करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा बारीक, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ ऐसा पेस्ट रेडी नहीं होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको ऐसे ही छान लेना है, ठीक है। अब जब आप इसको छानेंगे गाइस, तो इसकी बहुत ज़्यादा मात्रा बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा आप गुलाब जल मत डालिएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, करीब 1.5 से 2 टेबल स्पून अगर आपका ये जूस रेडी हो जाता है, देन आपका 8 दिन की जो सीरम है ना, 8 दिन का जो सीरम है वो सफिशियंट है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप प्रोपोर्शन ध्यान लीजिए। तो आपको इसको गाइस यहाँ पे छान के मेरा 2 टेबल स्पून गुलाब के पंखुड़ियों का जूस यहाँ पे रेडी है, ठीक है। नाउ गाइस अब आपको क्या करना है, अब आपको सबसे पहले देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 टेबल स्पून के आसपास लेना है एलोवेरा जेल, ठीक है। अब इस एलोवेरा जेल में 2 टेबल स्पून से थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ज़्यादा ही लिया है, उसमें आपको डालना है 1 टेबल स्पून के आसपास, यहाँ पे मैं ले रही हूँ गाइस स्वीट आलमंड ऑयल, ठीक है। अब इसको अच्छे से गाइस आपको लेना है, उसके बाद इसमें मैं धीरे धीरे करके गाइस, ज़्यादा नहीं, धीरे धीरे करके इसमें मैं गुलाब का, ये गुलाबी पंखुड़ियों का जो जूस है उसको मैं इसमें डाल रही हूँ और धीरे धीरे इसको मिक्स कर रही हूँ, ठीक है गाइस। इसको आपको धीरे धीरे मिक्स करना है, मिक्सिंग में यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि ये होममेड है, यहाँ पे कोई भी मशीन या कोई भी केमिकल वगैरह हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। लास्ट इंग्रेडिएंट गाइस, मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसमें डालना चाह रहे हैं तो एसेंशियल ऑयल कोई सा भी डाल लीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे फ्यू ड्रॉप, सिर्फ 2 या 3 ड्रॉप ही डाल रही हूँ एसेंशियल ऑयल। नाउ गाइज इस फॉर्मूले को आप अच्छे से मिक्स कीजिए, ठीक है। सीरम लाइक कंसिस्टेंसी आपको मिल जाएगी। अब देखिए इसका जो कंसिस्टेंसी है गाइज, वो डिपेंड करेगा आप किस ब्रांड का एलोवेरा जेल ले रहे हैं। पहली बात तो मार्केट का लेना है, दूसरी बात गाइज जिस भी ब्रांड का एलोवेरा जेल होगा, गुलाब जल जो है वो उसी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अगर आप बना रहे हैं और आपको लगे कि ये बहुत गाढ़ा है, इट्स नॉट लाइक सीरम, तो आप इसमें थोड़ा सा और गुलाब जल मिलाइए, देन आराम से इसको मिक्स कीजिए, ठीक है। नाउ गाइस अच्छे से मिक्सिंग के बाद यहाँ पर कस्टमाइज सीरम आपका रेडी है। ये जो है, जो सीरम मैं यहाँ पे बनाना बता रही हूँ गाइस, ये ड्राई और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए परफेक्ट है। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑयली स्किन वाला इसमें बना रहा हो इस सीरम को, तो वो जो ऑयल की मात्रा है वो थोड़ा और कम कर दे, ठीक है। उसकी स्किन पे भी ये सीरम बहुत मैजिकल वर्क करेगा। ये गुलाब की जो पंखुड़ियाँ होती हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो ये दाग धब्बों को भी हटाता है, एक्ने को भी प्रिवेंट करता है, आपके पोर्स को भी क्लीन करता है, रिंकल्स फाइन लाइंस नहीं आने देता है, और साथ ही साथ ये एक स्किन वाइटनिंग फॉर्मूला भी है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर आपका ये पैकेज रेडी है। नाउ अब आपको क्या चाहिए होगा, 2 चीज़ें चाहिए होगी, या तो गाइस आपको कुछ इस तरह का कंटेनर चाहिए क्रीम के लिए, और या तो गाइस आपके पास अगर ये है जिसमें सीरम यूज़ किया जाता है, तो गाइस बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर दोनों ही मेरे पास है। तो थोड़ा मैंने इसमें रखा है एंड थोड़ा मैंने सीरम वाले बॉटल में रखा है। गाइस इसको अच्छे से मैं यहाँ पर डेमो भी दे रही हूँ, आप जब भी इसको अप्लाई करेंगे, ट्रस्ट मी गाइस, आपको ऐसा लगेगा कि आपकी स्किन में हाइड्रेशन बूस्ट हुआ, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, ठीक है। और साथ ही साथ आपकी स्किन बहुत अच्छे से नरिश्ड एंड पॉलिश्ड लगेगी, क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट है, मतलब माइंड ब्लोइंग इंग्रेडिएंट है गाइस। आप सोचिए कि इसमें जो जो इंग्रेडिएंट मैंने डाले हैं वो अपने आप में पावर हाउस है। तो यहाँ पे एक पैकेज, पावर हाउस का एक पैकेज मैंने आपको बना के दिया है सीरम के रूप में। इस सीरम को आपको ऑलवेज नाइट में यूज करना है, ठीक है गाइस। ध्यान दीजिएगा कि फेस को क्लीन करके इस सीरम को आपको लगा के सोना है। आप इसको गाइस 15 डेज का बैच आराम से बना सकते हैं, 15 डेज आराम से चल जाएगा। ये जो सीरम मैं आपको बता रही हूँ गाइस, ये विंटर्स में आप इसको बाहर रख सकते हैं। अगर आप इसको समर्स में बना रहे हैं तो प्लीज इसको फ्रिज में रखिएगा और फ्रिज में से ही निकाल के इसको अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। वैसे 3-4 दिन में तो कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं है, बट 8 डेज के लिए, मैं हो सकता है कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो, वहाँ के वेदर के लिए मैं बता रही हूँ कि समर के टाइम पे आपको इसको फ्रिज में रखना होगा। गाइस प्लीज़ मेरे आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। तो ये था गाइस मेरा आज का वीडियो।
आशा करती हूँ कि मेरा आज का वीडियो आपके बहुत सारे पैसे बचा चुका है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, पैसे बचाने वाली लगी हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड जस्ट बगल में आता है गाइस नोटिफिकेशन बटन, उसको भी जरूर हिट कर दीजिएगा। मोटिवेशन के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं रंजना अब आपसे करती हूँ बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लव यू गाइस, टेक केयर।